उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज द क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसको आज करेंगे हम बाय क्रैमर रूल से। इसके दो मेथड होते हैं, एक इनवर्जन मेथड होता है, दूसरा क्रैमर रूल। तो आज हम क्रैमर रूल से करेंगे। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन फॉर्म के अंदर है, तो सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। एक्स और वाई की कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 2 आ रहे हैं, वाई का कोफिशिएंट -2 आ रहे हैं, एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट 2। ये किसी कोफिशिएंट है एक्स एंड वाई के, इज इक्वल लिखेंगे, इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 4 एंड 6। फिर इनको नेमिंग करेंगे, इसका नेम होगा ए, इसका नेम होगा एक्स, इसका नेम रखेंगे बी। फिर आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू, ए किसी को बोले जी 2 माइनस 2 3 2। फिर कॉमा एक्स इज इक्वल टू, एक्स किसी को बोले एक्स एंड वाई, और बी किसी को बोले 4 एंड 6। ठीक है, इस तरह इक्वेशन फॉर्म के अंदर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, फिर इनके नेम रखेंगे ए एक्स एंड बी। फिर हम देखें ए इज इक्वल है एक्स इज इक्वल बी इज इक्वल, तो सबसे पहले हम ए का निकालेंगे डिटरमिनेंट, ए का निकालेंगे डिटरमिनेंट, और उर्दू भी कहते हैं मकतब, सीधी लाइन दिखाएंगे, यहाँ पे भी सीधी लाइन 2 माइनस 2 3 2। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालते, सीधी लाइन निकालते हैं सर, फिर दो ब्रैकेट माइनस निकालते हैं बीच में, फिर दो ब्रैकेट। इसका रूल है, ये हमेशा इसके अंदर आएगा, डायगोनल एंट्रीज हमेशा इसके अंदर आएगी, और ये दूसरी इसके अंदर, ये हमेशा जो है इसके अंदर आप लिखेंगे, और बाकी ये पेयर हमेशा इसके अंदर लिखेंगे। 2 × 4 − − + 3 × 6 6 + 4 कितना होता है 10। क्रैमर रूल के अंदर ए का मतलब निकालने के बाद हम ए एक्स करते हैं, ए एक्स ए देखिए छोटा सा एक्स निकालते हैं। देखिए मैथ के अंदर देखेंगे यहाँ पे अगर लिखा 2 5, कोई आपसे कोई इसके अंदर एक्स कौन सा है, तो मैथ के अंदर पहली रकम एक्स होती है और दूसरी रकम वाई होती है, तो एक्स का मतलब यही होता है। ए का पहला सा नहीं लिखना आपने, पहला सा आप छोड़ दें, दूसरा सा लिख दें। अब इस पहले सी का हम क्या निकालेंगे, बी की वैल्यू 4 एंड 6। अब इसका हम निकालेंगे मकतब डिटरमिनेंट, सीधी लाइन लिखाएंगे, यहाँ पर भी सीधी लाइन 4 − 2 6 2। और डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, दो ब्रैकेट लिखते हैं इस तरह बीच माइनस, फिर दो ब्रैकेट्स, हमेशा डायगोनल एंट्रीज हमेशा इसके अंदर लिखते हैं, पहली ब्रैकेट इन दो इनके अंदर और बाकी इसके अंदर। 4 × 8 − − + 6 × 12, तो 8 + 12 कितना 20। यहाँ पे हमारे पास ए एक्स का डिटरमिनेंट है। इसके बाद हम करेंगे ए वाई, ठीक है, ए वाई का मतलब है ए का दूसरा असर नहीं लिखना, पहला असर लिखेंगे, ठीक है, ए वाई का मतलब ए का पहला सा दूसरा सा नहीं लिखना आपने, पहला सा लिख लो, और दूसरे सी क्या आएगा बी की वैल्यू 4 एंड 6। फिर इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट, सीधी लाइन लिखाएंगे, यहाँ पर सीधी लाइन 2 4 3 6, दो ब्रैकेट लिखेंगे माइनस, फिर दो ब्रैकेट, ये डायगोनल एंट्रीज हमेशा इसके अंदर लिखेंगे 2 6, और बाकी जो है इसके अंदर 3 एंड 4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 12 − 3 = 4 = 12। आप देखिए 12 में से 12 निकालेंगे क्या आएगा 0। ये है ग्रामर रूल, सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, उसके बाद ए एक्स करते हैं। ए एक्स का मतलब ए का पहला सा नहीं लिखना, पहले से क्या आएगा बी की वैल्यू ये वाली 4 एंड 6, और दूसरा सा साथ वैसे आएगा। फिर इस तरह आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, आंसर आ गया। ए वाई के अंदर आपने क्या करना है, ए वाई के अंदर ए का दूसरा सा नहीं लिखना, इसलिए क्या आएगा, देखिए पहला सा वैसे आ गया 2 3, और दूसरे से जगह बी की वैल्यू लगा देंगे। फिर इस तरह आप डिटरमिनेंट निकाल, अब देखिए एक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, फिर लाइन लिखाएंगे वाई इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, वाई इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। आप इनके अंदर वैल्यूज दिखा दें,
ax कितना है हमारे पास डिटरमिनेंट 20 आया था 20 लिखेंगे और डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आया था 10 वो आप पुट कर देंगे ठीक और देंगे 10 बाय 10 10 टू सर 20 अब डिटरमिनेंट ऑफ a y कितना है 0 इसको पुट कर दें और डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आया था 10 10 को यहां पुट कर देंगे तो 10 0 डिवाइड 10 करो क्या आएगा 0 तो देखिए हमारे पास ये आ गया सॉल्यूशन सर 2 एंड 0 तो बाकी जो जितने पार्ट में है एक्सरसाइज भी ग्रामर से आप आसानी से कर सकते हैं टेक केयर अल्लाह हाफिज़।